आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड की जो तीसरी लहर है उसको लेके समीक्षा बैठक क्राइसिस कमेटी की ली थी। पूरे प्रदेश के सभी जिले जुड़े थे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बारीक बारीक चीज़ें हर जिले से चर्चा भी करी, सुझाव भी लिए और अपना मार्गदर्शन भी दिया। हमने देखा कि जिस प्रकार बहुत तेज़ी से कोरोना की तीसरी लहर पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है और देश में भी वो ट्रेंड है, प्रदेश में भी है और शहर में भी है। अगर हम देखें तो पूरे देश का ट्रेंड है वो 13% बढ़ रहा है और हमारा जो मध्य प्रदेश का है उससे कम है, 6% है। हमारे जो सैंपलिंग हम ले रहे हैं उसमें 12% पॉजिटिव रेट आ रहा है और ये वास्तव में चिंताजनक है जिस प्रकार से ट्रेंड बढ़ रहा है। अभी जो वर्तमान में पेशेंट आ रहे हैं पॉजिटिव, उसमें 96% ऐसे हैं लोग जो होम आइसोलेशन में है, मुश्किल से 4% लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में है और उसमें भी आईसीयू में बहुत कम है। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं कि चिंता नहीं करना है, हमें उन सब बातों का ध्यान रखना है जो इसके लिए आवश्यक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए आज उसमें टेस्ट और बढ़ाना है, जो हमारा सैंपलिंग है टेस्ट है उसको बढ़ाना है, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा देना है। उन्होंने टारगेट दिया है कि जो वैक्सीनेशन है चाहे बच्चों का हो और बड़ों में तो हम आगे ही सही, बच्चों में भी 90% से ऊपर हमें जाना है और उसका टारगेट 100% तक जाना चाहिए, ये उन्होंने निर्देश दिए। स्कूलों की बात करें, 1 से लेकर 12वीं तक सभी स्कूल आने वाली 31 जनवरी तक बंद रहेंगे, ये इंदौर में भी रहेंगे और इंदौर के बाहर भी रहेंगे और सभी बड़े आयोजन स्थगित किए गए हैं, ये निर्देश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि हम कोविड केयर सेंटर हो, होम आइसोलेशन हो, उसमें हम प्रतिदिन जाएंगे। कोविड कंट्रोल कमांड कंट्रोल सेंटर जो है जिसके माध्यम से हम कोविड पेशेंट को देखते हैं उसमें भी प्रतिदिन जाके उसमें क्रॉस चेक भी करना, ये सभी को निर्देश दिए गए। मुझे लगता है जिस प्रकार हमने पिछले दूसरी वेव में सबने मिल के संभाला था और कंट्रोल में किया था, उसी प्रकार मैं आपके माध्यम से भी जनता से भी निवेदन करूँगा कि स्ट्रिक्टली मास्क लगाए, यह बहुत ज़रूरी है, बड़े आयोजन नहीं हो और दूरियाँ बनाए रखें। वो जो पहले से दिए हुए 200 लोगों के उससे ज़्यादा ना हो ये बोला गया है और किसी भी आयोजन में बड़ी संख्या में ना रहे ये कहा गया है। देखिए जिस प्रकार से बताया स्कूल बंद हो रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बैठ के फिर विचार करेंगे।